हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियान। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से समर ब्लैंकेट बनाया है। इसको बनाना बहुत इजी है। कुछ कट पीसेस चाहिए, पुरानी बेडशीट, और जितने आप इसमें लेयर्स डालेंगे वो उतना हैवी होगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सिर्फ दो बेडशीट ली है और एक लेयर मैंने जो कट पीसेस है उनका लगाया है। और यहाँ पर मैंने जो कट्ठा स्टिच होता है वो भी किया है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको बहुत पेशेंस भी रखने पड़ेंगे और थोड़ी मेहनत का काम है, बट जो एंड रिजल्ट निकल के आता है, कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, आप चाहें तो इसमें पैटर्न्स डाल सकते हैं, जो पाइपिंग्स होती हैं, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। और आपका जो काम है, जो आपने मेहनत की है, वो एक तरीके से जो है पूरा दिखेगा भी, और वसूल वाला जो होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला होगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो नोटिफिकेशन बेल है वो आपने प्रेस किया है नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको प्रेस कर लीजिए, और ऑल का जो ऑप्शन होता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे कट पीसेस को मैं पहले सबसे थोड़ा थोड़ा आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद मैं इसमें से देखूँगी कि कॉमन साइज़ कौन सा है, थोड़ा बहुत जो कॉमन है, जिससे कि जो सारे फैब्रिक्स हैं छोटे बड़े वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, लेंथ आप कितनी भी रख सकते हैं बट जो चौड़ाई है वो सबकी लगभग सेम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग ये कि यहाँ पे इतने सारों को लगभग सेम साइज़ में कट करना है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे साथ भी कई बार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको भी किस तरीके से स्टिच करना है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी मैंने सबसे पहले इन सबको मैं आयरन कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, और जो कॉमन साइज़ है वो मैं कट कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये एक टॉप शीट, जिसका साइज़ जो सिंगल बेड है उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इस तरीके से हल्का सा डैमेज हो गया है। तो मैं इसको जो है बैक साइड में लगाने वाली हूँ। फर्स्ट में कट पीसेस लगेंगे और बैक में ये लगेगा, सेंटर में एक लाइनिंग और दूंगी मैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसको अच्छे से फोल्ड करके और इसका जितना पार्ट है उसको मैं कट कर लूँगी। तो मुझे यहाँ पे इतना चौड़ाई में मिल जा रहा है, तो इसको भी मैं छोटे छोटे पीस करके उन कट पीसेस में अटैच कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा कॉम्बो यहाँ पर बन जाए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा अभी मैं इसको पूरे को कट पीसेस बनाऊँगी। तो उससे पहले मैंने एक बार यहाँ पर जितने भी कट पीसेस थे वो डिफरेंट जहाँ कलर्स एक साथ मिक्स नहीं हो, हल्का अलग अलग और जिस तरीके से डिज़ाइन मुझे चाहिए वो मैंने रख लिया है, स्ट्रेट में रखा है। अभी जो टॉप में आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो पिंक वाला पोर्शन है उसको मैं कट करूँगी, और जो वाइट वाला है उसकी भी स्ट्रिप्स मैं कट करके इस जो कट पीसेस वाला लेयर है उसमें मैं अटैच कर लूँगी। सो इन सबको अटैच करने से पहले आप इस तरीके से इनको रखें एक के ऊपर एक करके, और रो वाइज भी 1, 2, 3 करके, ताकि जब आप इसको स्टिचिंग करें तो आपको बहुत हेल्प होगी। ये मैंने एक पुरानी बेडशीट ली है लाइनिंग देने के लिए, और ये मेरा आयरन वाला है तो अब मैं इसको लाइनिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी फेड हो गया है ये, तो मैं आप चाहें तो फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे फॉर्म पसंद नहीं है इसलिए मैं बेडशीट ही यूज़ करती हूँ। तो अभी इस तरीके से देखिए, मैंने जिस तरीके से फोल्ड किया था बहुत सिंपल था। इस तरीके से आप इसको खोल के और इस तरीके से उल्टा करके आप रख दीजिए। अब 1 by 1 आपको पिक करना है, और यहाँ पे जिसका फ्रंट है और इसका जो फ्रंट है दोनों को आमने सामने रखना है, और यहाँ से आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो सो दैट कि जब आप इसको खोलेंगे तो आपको सीधा साइड मिल जाएगा। इसी तरीके से जितने भी रोज़ हैं उन सबको मैं इस तरीके से सीधे अभी अटैच करूँगी।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चौड़ाई है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, जैसे इसमें हो रखा है। तो एटलीस्ट जो ऊपर का हिस्सा है वो सब एक ही साथ रहें, ताकि जब ये फुल स्टिचिंग हो जाए तो हम नीचे से जितना एक्स्ट्रा है या जितना कम है या जो कॉमन साइज़ है वो हम कट कर पाएँ। और जब भी सिलाई करें तो इतनी ही चौड़ी करें, क्योंकि डबल डबल सिलाई हम नहीं कर सकते, तो इससे खुलने के चांसेस थोड़ी सी चौड़ी करें, जिससे कि खुलने के चांसेस जो हैं थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर इन सबको अटैच कर दिया है। अब मैं इनको जो लंबे लंबे स्ट्रिप्स हैं उनको मैं आपस में अटैच करूँगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, और तो मैं कम से कम दो दो सिलाई मैं यहाँ पे करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से लगा रखा है और मैं किस तरीके से इनको पिक करके यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो पहले बेड में आप इस तरीके से, जहाँ पे आपका स्पेस हो वहाँ पे आप रख लें, वन बाई वन इस तरीके से अटैच करें। तो उससे थोड़ा सा तो कलर जो है, जो रोज़ हैं वो आपस में मिक्स नहीं होगा और आप जो है अच्छे से भी कर पाएंगे। आपकी सारी पट्टियाँ आपस में जुड़ जाए तो इस तरीके से बैक करते जाइए और चेक करते जाइए कि कहीं कुछ मतलब स्ट्रेचिंग रह तो नहीं किया। तो उससे जो है आपको दोबारा दोबारा से स्ट्रेचिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गैप है या नहीं है। तो अभी मैंने सारे इस तरीके से इनको जोड़ लिया है, अब सारी स्ट्रिप्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे तीनों लेयर्स को एक साथ रख दिया है। ये मेरा टॉप लेयर है, ये बीच की लाइनिंग है, और ये बिल्कुल बॉटम वाला जो है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो मेरा कट पीसेस वाला है वो अभी भी छोटा है। तो मैंने अभी सबसे पहले क्या किया, जो लाइनिंग है उसका जितना एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर लिया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब मैं इसको इसके लेंथ में अटैच कर दूँगी, जिससे कि इसकी लेंथ जो बाकी दो की लेंथ है उसके बराबर हो जाए, एटलीस्ट बाकी जो है कपड़ा वेस्ट भी ना हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो राइट एंड लेफ्ट साइड में जो पिंक स्ट्रिप दिख रही है वो मैंने जो नीचे टॉप शीट थी उसमें से कट करके लगाया था, जिससे कि तीनों लेंथ अब मेरी बराबर हो चुकी है चौड़ाई में। लंबाई में थोड़ी ऊपर नीचे है तो उनको मैं बाद में एक्स्ट्रा कट कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले अब इनको अटैच करना है, जो कि थोड़ा टफ टास्क है क्योंकि अभी हैवी हो चुका है। तो अभी मैं इसको टेम्परेरी ये इस तरीके से अटैच कर रही हूँ सिलाई करके, बाद में मैं इसको निकाल दूँगी। अभी सबसे पहले इसके चारों तरफ स्टिच करने हैं मशीन से, तो उससे पहले उनको सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से मैंने कच्ची सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। तो अभी मैं जब चारों तरफ से स्टिच हो गया, तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, और ये जो मैंने सुई ली है ये काफ़ी बड़े साइज़ में ली है, क्योंकि कट्टा स्टिचिंग में ये काफ़ी हेल्प करती है। तो अभी इसको करना बहुत ईजी है, और यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटे ही ले रही हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं ले रही हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने चाहें उतनी बार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, 6 to 7 लाइन्स ही यहाँ पे डाल रही हूँ। तो उस तरीके से मैं इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैंने पाइपिंग के लिए यहाँ पे ये वाला फैब्रिक लिया है, कॉटन का है, और मैंने ग्रीन कलर पिक किया है। आप चाहें तो कोई सा भी कलर पिक कर सकते हैं, मेरे इसमें ग्रीन बहुत कम था तो मैंने फिर सोचा कि पाइपिंग उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैंने इसका पाइपिंग जो है चूज़ करने के लिए फाइनल कर लिया। अब पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर 5 इंच की चौड़ाई में लिया है, और इसका जो फैब्रिक मैंने कट किया है इस पूरे पीस में से वो लंबाई में से किया है, ताकि ज़्यादा जो है जॉइंट्स ना आए बीच में, और जो रेस्ट पार्ट इसका बच जाता है वो भी काफ़ी ठीक ठाक साइज़ में बच जाए। अभी यहाँ पे इस तरीके से कट करके और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, तो इतनी चौड़ाई की ये पाइपिंग आने वाली है, और जितना भी अटैच करना है वो मैं अटैच कर लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पाइपिंग का, मैंने और भी शेयर किया है पुराने वीडियोज़ में। सबसे पहले मैंने इसका जो था अटैच कर लिया, और इसका जो एंड है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस बार के जो कॉर्नर्स हैं मैंने थोड़े अलग से बनाए हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी, ठीक है, इसको मतलब कि पूरी सिलाई करके मैं फ़ाइनल कर लूँगी पहले। अभी ये स्टिचिंग हो गई है एक साइड से, तो इसका जो दूसरा एंड आया वो यहाँ पर आया है, तो उसको मैंने पहले इसी तरीके से उल्टे साइड से ही और यहाँ से फोल्ड कर लिया है, ताकि जो कॉर्नर है उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है ऐसे। अब इसको हम टर्न कर लेंगे,
मतलब कि ऐसे सिलाई करके और इसको इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे तो हमें सीधा साइड मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करिए, काफ़ी मजबूत भी रहता है ये और फिनिशिंग भी आती है। सो अभी इसको डायरेक्ट ही मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, ताकि ये जो है, कभी कभी ऐसा होता है मोटाई की वजह से जो है ये बाहर निकल आता है, तो यहाँ पे जो है कपड़ा जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो अब इस तरीके से ही मैं इसको चारों तरफ से लॉक कर दूँगी, तो हमारा पाइपिंग जो है वो रेडी हो जाएगा और हमारा समर ब्लैंकेट भी रेडी हो जाएगा। सो ये था समर ब्लैंकेट और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पोस्टपोन होते होते अब जाके बना है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। इसका जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।